हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ इंडियन स्ट्रीट स्नैक, विच इज दही भल्ला। तो आइए जानते हैं कि कैसे बनाते हैं दही भल्ला घर पर। इसके लिए हमें सिंपल सा मसाला बनाना है, दही भल्ला मसाला। तो इसके लिए हमें चाहिए जीरा, जो कि मैंने एक स्कूप की हेल्प से मैंने 3 चम्मच लिया है। तो आप कोई सा भी चम्मच ले सकते हो कि उसी के हिसाब से आपको सारी चीज़ें डालनी है। उसमें मैंने 1 चम्मच अजवाइन डाला है, 3 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अजवाइन, और उसको मैंने अच्छे से भून लिया है। इसमें मैं अभी डालूँगी 1 चम्मच पुदीना मसाला, जो कि मैंने सुखा कर रखा हुआ था। उसी में मैंने डाला है 3 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 पूरा भरकर चम्मच मैंने डाला है काला नमक। अभी हमें इस सबको मिक्स करके इसका पाउडर बना लेना है, और आप इसको काफ़ी समय तक स्टोर करके भी रख सकते हो। ये हमारा दही भल्ला मसाला बनकर रेडी हो चुका है। अभी हम मेन भल्ले बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, उर्द दाल ली है और उसको मैंने 4 से 5 घंटे तक भिगो कर रखा था। ये मैंने 1 कटोरी ली है और इसको भिगो कर हम इसको अच्छे से धोकर और छान कर 2-3 बार पानी से, और इसको हम अभी ग्राइंड कर लेंगे। आप इसमें थोड़ा पानी डालकर इसको ग्राइंड करें, ताकि ये ज़्यादा बारीक भी ना और जो ज़्यादा मोटा भी ना रहे। तो मैंने अपने आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हो पानी को। तो इसको ब्लेंड करके हम इसकी थिकनेस चेक करेंगे कि इसकी थिकनेस ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। इस तरह से इसका बैटर होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका बैटर ज़्यादा गाढ़ा हो गया, तो आप इसमें और पानी मिला सकते हो। अभी इसमें हम मिलाएंगे कुछ चीज़ें, जो कि है जीरा। 1 चम्मच मैं इसमें जीरा मिलाऊंगी और 1 ही चम्मच इसमें मैं नमक मिलाऊंगी। आप अपने स्वाद अनुसार ज़्यादा और कम कर सकते हो नमक को। और इसी में अगर आप चाहे तो ड्राई फ्रूट भी डालें। इसमें मैंने थोड़े से किशमिश और थोड़े से कटे हुए काजू डाले हैं, और हमें इसको एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंटना है, कम से कम 4 से 5 मिनट तक, ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स हो सके, प्रोड्यूस हो सके। और उसके कारण क्या होता है कि हमारे जो भल्ले हैं वो अच्छे से फूल जाते हैं। और मैंने कढ़ाई में तेल लिया है, उसको हमने मीडियम हॉट करना है, ना ही ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म। सो ताकि जब हम इसमें भल्ले डालें तो ये तेल को सोखे ना और ना ही ये ज़्यादा जले। तो इसी तरह से मैंने इसमें भल्ले डाले हैं, और इसी को हमने मीडियम तेल में इसको पकाना है और गोल्डन होने तक पकाना है इसको। इसके बाद हमें साथ ही साथ इससे एक साइड पे हम दही लेंगे। दही आप अपने अनुसार ले सकते हो, जितनी भी आपको चाहिए। और इसी में हम शुगर मिला के, मैंने कैस्टर शुगर डाली है, जो पिसी हुई शक्कर होती है, मैंने वो डाली है और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और इसी के साथ हम एक बैच हमारा रेडी हो चुका है, और एक बैच को हम अच्छे से गोल्डन करके इसको निकाल लेंगे। और दूसरी तरफ हम इस सेकंड बैच को भी साथ ही साथ डाल देंगे, ताकि तेल ज़्यादा गर्म ना हो जाए। और इसी तरह आपको आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें छोटे बड़े बड़े डाल सकते हो। और हमारा सेकंड बैच भी रेडी है। इसको हम ठंडा होने तक रखेंगे 4 से 5 मिनट 10 मिनट तक। और यहाँ पे मैंने एक ल्यूक वॉर्म वाटर रखा है, कोसा पानी रखा है, जिसमें कि हम सारे बड़ों को डुबो के रखेंगे, अपने सारे भल्लों को डुबो के इसमें रखेंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि जितना भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा पानी में आ जाए। और दूसरी तरफ एक तरफ और हम गुनगुना पानी लेंगे, जिसमें मैंने 1 चम्मच हींग डाली है। हींग के डाइजेशन में हेल्प करता है। अभी हम इसका पानी चेंज करेंगे, एक तरफ से बड़े निकाल कर हम दूसरे पानी में डालेंगे, और आपको दिखाती हूँ मैं इसमें कि किस तरह से एक्सेस ऑफ ऑयल जो है इसमें आ गया है। ये देखिए एक्सेस ऑफ ऑयल, इसमें कितना ज़्यादा तेल बड़ों में से निकला है। और इसी को हमने ढक कर
5 से 10 मिनट तक रखना है। आप चाहे तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसका सेकंड मेथड भी आपको मैं बताऊंगी। अभी हम बनाते हैं दही भल्ले जो कि हमारे रेडी हो चुके हैं। इसके लिए मैंने लिया हरी चटनी, लाल चटनी, इमली वाली, और दही हमारा रेडी है, और यहाँ पे दही मसाला रेडी है, दही भल्ला मसाला वो भी प्रिपेयर हो गया है हमारा। तो चलिए अब बनाते हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली इसको निचोड़ के इसमें प्लेट में रख के बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसको दही में भी डुबो के रख सकते हैं कुछ समय तक, ताकि ये दही को भी अपने अंदर सोख लें। तो इसीलिए मैं इसको कुछ बड़ों को मैं दही में भी डाल रही हूँ। अभी हम दही में 5-10 मिनट रखने के बाद इसको ऐसे बनाएंगे। तो सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं ज़्यादा करना है। इसमें आपने दही डालना है, दही के बाद लाल चटनी डालनी है, उसके बाद ग्रीन चटनी डालनी है, और उसके बाद जो हमने मसाला बनाया है आप अपने टेस्ट अनुसार उसको भी डाल सकते हैं, और हमारे दही भल्ले रेडी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करिए, और इसको आप बताइए घर पे बनाइए और कैसा लगा आपको, जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए। आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।